200 वचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने तो थंबनेल और टाइटल देख करके बिल्कुल हड़बड़ा गए होंगे, बिल्कुल चौंक गए होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कल के डेट में इंडिया में जो ना चार ऐसी बड़ी एप्लीकेशन परमानेंट ब्लॉक यानी कि बैन होने वाला है। तो यहां पे कौन कौन एप्लीकेशन, यहां पे ट्विटर है और यहां पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे इंस्टाग्राम भी है। तो ये चारों बड़ी एप्लीकेशन में कल के डेट में इंडिया में बैन होने वाला है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या सच में कल के डेट में इंडिया में बैन होने वाला, ब्लॉक होने वाला है और इंडिया में बैन होगा ये चारों बड़ी एप्लीकेशन। तो ये क्यों हो रहा है, इसका क्या वजह है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा इंफॉर्मेशन देने वाला। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो वो जो लाल वाला बटन देखे सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक करो, ऑल पे प्रेस कर देना। लाइक का टारगेट है कम से कम 30,000, मुझे उम्मीद है इस वीडियो पे सपोर्ट करेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले यहां पे बात करेंगे कि इंडिया में जो चार बड़ी एप्लीकेशन बैन होने जा रहा है वो कल के डेट में ये क्यों बैन हो रहा, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बताने से पहले छोटी सी मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं आईटी मिनिस्टर का कि इन्होंने क्या कहा। ठीक है, बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। तो आज इस सदन के पटल से चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए, आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। तो आपने तो वीडियो देख लिया होगा बिल्कुल ध्यान से। दोस्तों ये वाक्य जो ना 3 महीने पहले का है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नया रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे जारी किया है, जो चारों बड़ी एप्लीकेशन को जो ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन को यहाँ पे दिया गया था कि आपको इस रूल्स और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप इंडिया में रहना चाहते हो ना, तो ये मतलब कि गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन 3 महीना तो हो गया, ये जो 3 महीना जो एक्सपायर डेट है वो कल के डेट में खत्म होने वाला है। और क्यों खत्म होने वाला है, क्योंकि 3 महीना पूरा हो चुका है और 3 महीने के भीतर जो ना इसको कुछ बताना था कि भाई इस रूल्स को मैं फॉलो करूंगा या नहीं करूंगा, तो चुपचाप चादर ओढ़ करके ये चारों बड़ी एप्लीकेशन सोया हुआ था। अभी तक कुछ भी गाइडलाइन का, कुछ भी फॉलो करने का, कुछ भी यहां पे आईटी मिनिस्टर को नहीं बताया। तो इसी वजह से कल के डेट में यहां पे बैन होने वाला है और बैन होने का क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप या ट्विटर है, हम सभी फ्रेंड के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे अच्छे न्यूज़ होते हैं जिसके बारे में मुझे पता चल जाता है और हम अपने फ्रेंड से मतलब फोटो देखते हैं, आप अपने फ्रेंड से चैटिंग वगैरह करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों एक और बुरी चीज है जो सोशल मीडिया पे होता है जिसके बारे में आप लोग को पता होता है, वो क्या चीज है, वो फेक न्यूज है। जी हां दोस्तों, फेक न्यूज जो है ना सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होता है और जो फेक न्यूज तेजी से वायरल होता है ना वो काफी खतरनाक होता है। तो इसी वजह से आईटी मिनिस्टर ने यहां पे ये कहा था ये चारों बड़ी एप्लीकेशन को कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज जो फैलता है वो फेक न्यूज जो सबसे पहले किसने पोस्ट किया, कौन से बंदे ने पोस्ट किया, इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज जो रूल्स है ना इंडिया गवर्नमेंट ने यहां पे लॉन्च किया था कि जो फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर जो फेक न्यूज जो फैला रहा है ना इसका ट्रैकिंग मुझे होना चाहिए कि ये बंदा किसने पोस्ट किया, क्या ने पोस्ट किया, इसी को लेकर के जो ना यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो काफी स्ट्रिक्ट है, जो काफी बड़ी बात है। जी हाँ, तो इसी वजह से जो ना यहाँ पे 3 महीने पहले यहाँ पे जो है रूल्स को फॉलो करने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक जो ना चार बड़ी एप्लीकेशन जो ना अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करता ही होगा क्योंकि यार ये चार बड़ी एप्लीकेशन काफी टाइम से इंडिया में जो ना धाक जमा के बैठे हुए हैं और काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो वो तो चादर ओढ़ करके तो सोया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो गया, तो ये सब जो
जो ना गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कुछ टाइम दे दो, कुछ 6 महीना का, कुछ साल भर का, तो ये सब यहाँ पे बता रहा है। तो कल ही पता चल जाए कि क्या कुछ होने वाला ये चारों बड़ी एप्लीकेशन का, वो भी इंडिया के अंदर, वो मैं आपको कल के डेट में बता दूंगा, ठीक है। तो यही था छोटी सी इन्फॉर्मेशन और छोटी सी न्यूज, जो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल किला होगा। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक करो, ऑल पे प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।